कल्पना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी संस्कृत कक्षा नवी सप्तम पाठ प्रत्याभिज्ञानम। तो हमने इसके पहले के जो 6 पाठ है वो इसी चैनल पे एक्सप्लेन किए हैं स्टूडेंट्स, तो आप वो भी देख लीजिए। और हर पाठ में जैसे हम पाठ शुरू करने के पहले उसका जो पाठ परिचय और सार देख लेते हैं वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो चलो अब पाठ परिचय करते हैं। प्रस्तुतोयम पाठ महाकवि भास प्रणीतत पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य सगृहीतोस्ति। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञ विराटस्य गाव अपहृता तासाम उन्मोचनार्थम विराट पुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण बृहन्नला वेशधारी अर्जुनच्च उभावपि गतवन्तो। तत्पक्षता भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान् युद्धे कौरवान् पराजय अभवत्। अस्मिन्नेव क्षणे राजभवने सूचना संप्राप्ता यद वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमौ अभिमन्यु अबद्ध। गृहीत अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्याभिजानति तेन सौभाभ्यां सह सरोषं वार्तालपि करोति। तत उभो अभिमन्यु राजसभया नयत तत्र उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयो रहस्यं बोधयति अनेन छद्म वेशधारिणी पांडवानां अभिज्ञानं भवति। तो स्टूडेंट्स, यह पाठ भास द्वारा रचित पंचरात्रम नाटक से लिया गया है। पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रह रहे थे। वे महाराज विराट के राज्य में नाम तथा वेश बदल कर रह रहे थे। इस दौरान कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था। महाराज विराट के पुत्र उत्तर तथा बृहन्नला के वेश में अर्जुन कौरवों से युद्ध करने के लिए गए। कौरवों की तरफ से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र युद्ध कर रहा था। इस युद्ध में कौरवों की हार हुई। भीम अभिमन्यु को पकड़कर राजा विराट के दरबार में पेश करते हैं। अभिमन्यु अपना नाम लेकर बुलाए जाने पर अपमानित अनुभव करता है। वह अपने पिता अर्जुन को नहीं पहचान पाता तथा उनसे उग्र होकर बात करता है। तभी विराट पुत्र उत्तर दरबार में पहुंच जाता है। वह पांडवों का भेद खोल देता है और उनकी बहादुरी के विषय में सबको बताता है। अभिमन्यु अपने पिता को पहचान कर प्रसन्न हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम अब इस पाठ का हमने पाठ परिचय देख लिया है। अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। उनका जो संभाषण है वो देखेंगे। भट जयतु महाराज। राजा अपूर्व, राजा बोलता है कि भट बोलता है उसे, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनसी विस्मित। तो राजा बोलता है, तुम्हारी प्रसन्नता अद्भुत सी लग रही है, बताओ किस कारण इतने प्रसन्न हो। भट अश्रद्धे प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गत। तो भट बोलता है, अविश्वसनीय प्राप्त हो गया है, अभिमन्यु पकड़ लिया गया है। राजा कथम इदानी गृहीत, अब वह किस प्रकार पकड़ा गया। भट रथमासाद्य निशंक बाहुभ्याम वतारित प्रकाशम इत इत कुमार। रथ पर पहुंचकर निशंक भाव से हाथों द्वारा उतार लिया गया है। इस ओर और इस ओर से कुमार अभिमन्यु भो कौन खलवेश, अरे यह कौन है, ये न भुजे का नियंत्रितो बालादि के नापि न पीड़ित अस्मि, जिसने एक हाथ से पकड़कर अधिक बलशाली होकर भी मुझे पीड़ित नहीं किया। तो वो ऐसा अभिमन्यु बोल रहा है। अब इसके आगे देखेंगे। बृहन्नला इत इत कुमार, कुमार इधर चले। अभिमन्यु अरे आए मार, अरे अयम पर क विभात्यु वेशामी वाश्रितो हर।
अरे यह दूसरा कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे महादेव ने उमा का वेश ग्रहण किया हो। बृहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचालय त्वेन मार्य। बृहन्नला आर्य, मुझे इससे बात करने की बहुत उत्सुकता हो रही है, आप इसे बोलने के लिए प्रेरित करें। भीमसेन बाढ़म अभिमन्यु, एक और को अच्छा प्रकट रूप से अभिमन्यु नाम, वो अभिमन्यु बोलता है कि मेरा नाम अभिमन्यु है। भीमसेन रुष्यतेश मया त्वमेनम विभाषय, यह मुझसे चिढ़ाता है, तुम्ही इसे बात करने के लिए प्रेरित करो। बृहन्नला अभिमन्यु कथम अभिमन्युर्नामहम भो किमत्र विरट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे आपि नामभि अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशं गत अतएव तिरस्क्रियते। क्यों, मेरा नाम अभिमन्यु है? अरे क्या यह विराट नगर में क्षत्रिय कुमारों को नीच लोग भी नाम लेकर पुकारते हैं? अथवा मैं शत्रुओं के अधीन हो गया इसलिए अपमानित किया जा रहा है मुझे? बृहन्नला अभिमन्यु सुखामस्ते ते जननी। तो बृहन्नला तो उससे बोला गया कि बृहन्नला ने बोला अभिमन्यु तुम्हारी माता सकुशल है। अभिमन्यु कथम कथम जननी नाम किम भवान मे पिता अथवा पितृव्यम कथामम कथम मा पितृवदाक्रम्यम श्रीकथाम कथा पृच्छसे। तो अभिमन्यु बोलता है कि क्या आदरणीय कृष्णों को कि क्या क्या माता, क्या आप मेरे पिता या चाचा है? क्या आपको मुझे मुझ पर पिता के समान अधिकार दिखाकर माता के संबंध में प्रश्न करने हैं? बृहन्नला अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव। अभिमन्यु देवकी पुत्र के केशव सकुशल है। अभिमन्यु कथम कथम तत्र भवन्तमपि नामना अथ किम उभौ परस्परम अवलोकयत। क्या आदरणीय कृष्ण को भी नाम से और क्या कुशल है, दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभिमन्यु कथमिदानी सावज्ञमिव मा हस्यते, ये मेरे ऊपर अज्ञानी की तरह क्यों हंस रहे हैं? बृहन्नला न खलु किंचित, क्या कुछ ऐसा नहीं है? पार्थ पितरमुद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। पिता पार्थ तथा मामा श्री कृष्ण वाला युवक युद्ध में निपुण होकर भी युद्ध में परास्त हो जाता है? अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन अस्माकं कुले आत्मतस्य अस्माकं कुले आत्मस्तवं कर्तुमनुचितं रणभूमे हतेषु शरान पश्य मद्रुते अन्यत नाम न भविष्यति। तो अभिमन्यु बोलता है कि स्वच्छंद प्रलाप करना बंद करो, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित है, युद्ध क्षेत्र में मेरे बाणों से अतिरिक्त दूसरा नाम नहीं होगा। बृहन्नला एवं वाक्य शौंडीर्यम किमर्थ तेन पदातिना गृहीत। अरे वाणी की ऐसी वीरता, फिर उन्होंने तुम्हें पैदल ही क्यों पकड़ लिया? अभिमन्यु अशस्त्र मामभिगत पितरम अर्जुनम स्मरन अहम कथहन्याम अशस्त्रेषु मादृशान प्रहरन्ति अतः शस्त्रोयम मा वंचयित्वा गृहीतवान। राजा त्वर्यता अभिमन्यु, तो वे अशस्त्र होकर मेरे सामने आए, पिता अर्जुन को याद करके मैं उन्हें कैसे मारता? मुझ जैसे लोग शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करते, अतः इस शस्त्रहीन ने मुझे धोखा देकर पकड़ लिया। राजा तुम उस अभिमन्यु को शीघ्र बुला लाओ। तो राजा बोलता है कि तुम उस अभिमन्यु को जल्दी ही
बुला लो। बृहन्नला इत इत कुमार ऐसा महाराज उपसर्पतु कुमार कुमार इधर आए, यह महाराज है, आप समीप आए। अभिमन्यु आ कस्य महाराज, तो आ किसके महाराज, राजा। एवे ही पुत्र कथम न माम अभिवादयासी, आत्मगतम अहो उसिक्तम खलवयं क्षत्रि कुमार अहम से दर्प प्रशमनम करोमि प्रकाशम अथ केनायम गृहित। और राजा बोला, आओ आओ पुत्र, तू मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते। मन में, अरे यह क्षत्रिय कुमार बहुत घमंडी है, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ प्रकट रूप से, तो इससे किसने पकड़ा। भीमसेन, महाराजा मया। भीमसेन ने बोला, महाराज मैंने। अभिमन्यु शस्त्र अशस्त्रेण त्या भीतियाम, तो अभिमन्यु बोला कि नहीं, शस्त्रहीन होकर पकड़ा ऐसा कहिए। भीमसेन शांत पापम धनुस्तु दुर्बले एव गृह्यते मम तु भुजो एव प्रहारणाम, तो भीमसेन बोला शांत हो जाइए, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा उठाया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र है। अभिमन्यु मा तावद भो किम भवान मध्यम तातय तस्य सदृशम वच वदति, नहीं क्या आप हमारे मध्यम तात है जो उनके समान वचन बोल रहे हैं। भगवान पुत्र कोयम मध्यमो ना, पुत्र यह मध्यम तात कौन है। अभिमन्यु योक्त्र इत्वा जरासंदम कंठ श्लिष्टेन बहुना असह्य कर्म तत कृत्वा नीत कृष्णो तदर हताम। अभिमन्यु बोला, सुनिए नहीं क्या हमारे, सुनिए जिसने अपनी भुजाओं से जरासंध का कंठावरोध करके कृष्ण के लिए जो असाध्य कार्य था उसको साध्य बना दिया। राजा न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता बहुतार में क्विमुक्ता, वो बोल रहा है कि नहीं, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता बहुतार में किमुक्त्वा नापरा दोहम कथम तिष्ठति यात्विति, तुम्हारे निंदापूर्ण वचनों से मैं चिढ़ता नहीं हूँ, तुम्हारे चिढ़ने से मुझे आनंद प्राप्त होता है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से, यदि मैं ऐसा कहूँ तो क्यों मैं अपराधी नहीं होऊंगा। अभिमन्यु यद्य हमनुग्राह्यम पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्याम मृतम भीम बाहुभ्यामेव नेष्यति तत प्रविश्यत्युत्तर, तो अभिमन्यु बोला यदि आप मुझकर कृपा करना चाहते हो तो मेरे पैर बांधकर मुझे उचित दंड दीजिए, मैं हाथों से पकड़कर लाया गया हूँ, मेरे माध्यम तात भीम मुझे हाथों से ही छुड़वा कर ले जाएंगे, तब उत्तर का प्रवेश होता है। उत्तर तात अभिवादये, तो उत्तर बोलता है कि भगवान मैं प्रणाम करता हूँ। राजा आयुष्मान भव पुत्र पूजिता कृतकर्माणो योद्ध पुरुषा, दीर्घायु हो पुत्र, क्या युद्ध में वीरता दिखाने वाले वीरों का सत्कार कर दिया गया है। उत्तर पूज्यत मस्य क्रियताम पूजा, अब सबसे अधिक पूज्य की पूजा कीजिए। राजा पुत्र कस्मे, किसकी पूजा पुत्र। उत्तर इहात्र बहुते धनंजयाय, यही मौजूद अर्जुन की। राजा कथम धनन जायेति, क्या अर्जुन यहाँ आए हैं। उत्तर अथ किम, और क्या। श्मशाना धनुरादाय तुणी राक्षसाय के नृपा भीष्मादयो भगना वयम च परिरक्षिता, तो उत्तर बोला और क्या, पूज्य अर्जुन ने स्मशान से अपना धनुष तथा अक्षय तर्कश लेकर भीष्म आदि राजाओं को परास्त कर दिया था, हम लोगों की रक्षा की। राजा एवमेतत, ऐसी बात है। उत्तर व्यपनयतु भवान छंकाम अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय, तो वह बोला कि राजा व्यपनयत भवान छंकाम अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय,
तो और क्या पूज्यन अर्जुन ने स्मशान से अपना धनुष तथा अक्षय तरकश लेकर भीष्म आदि राजाओं को परास्त कर दिया था, हम लोगों की रक्षा की। उत्तर, बृहन्नला, ऐसी बात है। उत्तर, आप अपना संदेह दूर करें, धनुर्विद्या में प्रवीण अर्जुन यही है। बृहन्नला, यद्यहम अर्जुनम तहि अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठर। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु, इहात्र भवन्तो मे पितर तेन खल्लु न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता सन्त च क्षिपन्ति माम दिष्टयां गोग्रहणं स्वन्तं पितरो येन दर्शिता इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम अलिङ्गति। ये मेरे पूज्य पितागण हैं, इसलिए मेरे निंदापर्ण वचनों से ये क्रुद्ध नहीं होते और हंसते हुए मुझे चिढ़ाते हैं। गौ अपहरण की यह घटना सौभाग्य से सुखांत हुई, इसी के कारण मुझे अपने सभी पिताओं के दर्शन हो गए। ऐसा कहकर क्रम को सबको प्रणाम करता और सब उसका आलिंगन करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में वो जो अभिमन्यु है उसे कैसे राजदरबार में लाया गया और उसे कैसे बताया गया, उसके उसकी जो चालाकी थी, उसका जो गुण थे, उसकी पारख कैसे की और बाद में उसे कैसे समझा कि वो हम ये सब उसके सामने जो है वो उसके पितृगण है, ये सब दिखाई गया है इसमें। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।